अस्सलाम जी, आसिफ महमूद हाजिर खिदमत है। कश्मीर पे बात करेंगे। 2019 अगस्त, फिर 2023 अगस्त, अगस्त से अगस्त तक हम कहाँ खड़े हैं, कश्मीर कहाँ खड़ा है, भारत ने क्या कुछ किया है, और फिर उसमें कुछ सवाल जो आज हम अपने मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि भारत अपनी यकतरफा गैर कानूनी गैर अखलाकी कानून साजी से क्या कश्मीर का वो स्टेटस बदल सकता है जो इंटरनेशनल लॉ की रोशनी में कश्मीर को हासिल है। यानी कश्मीर का मसला जो है, इसका जो फैसला है वो यूएन रेजोल्यूशंस के तहत होना है, सिक्योरिटी काउंसिल के करारदादों के तहत होना है, और इस्तेसवाब राय के ज़रिए होना है। तीसरी कोई सूरत नहीं है। कुछ सूरतें भारत ने इंट्रोड्यूस करवाई थी 50s में कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के तहत, जिसका ताल्लुक आर्टिकल 370 से भी है। लेकिन समझने की बात यह है कि आर्टिकल 370 से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये एक बंदर बांट के नतीजे में भारत ने अपने नेशनलिस्ट रहनुमाओं को एक लॉलीपॉप दिया था, वक्त आने पे उसने ले लिया। हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो यूएन रेजोल्यूशंस हैं और इस्तेसवाब राय है। समझने की बात यह है कि आज स्टेटस क्या है कश्मीर का, हम कहाँ खड़े हैं, आगे क्या करना है, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल हैं। ब्रिगेडियर एहसान शाह साहब हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इश्तियाक अंदराबी साहब हमारे साथ हैं, साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा, साबिक सफ़ीर। इश्तियाक अंदराबी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अंदराबी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, लीगल पोजीशन समझाइए हमें। देखिए, लीगल पोजीशन तो बिल्कुल कोई नहीं है। जो 370 को उन्होंने इन्वोक किया है उसकी कोई लीगल पोजीशन नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपकी बात को रिएट्रेट करता हूँ कि हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ। हमारा ताल्लुक जो है वो जो अकवा मुतहदा की टेम्पलेट है कश्मीर के इशू पे, यूएन रेजोल्यूशंस हैं, यूएन सीआईपी के रेजोल्यूशन हैं, हमारा उससे है। बट जो पहली बात तो ये कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्यों कानूनी हैसियत कोई नहीं है, इसलिए कि 370 जो है वो डिराइव करता है अपनी फोर्स फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो महाराजा ने साइन किया था बकौल इंडिया के, और उसके तहत उसने रियासत उनके हवाले की थी, चंद अख्तियार दिए थे, चंद अख्तियार रियासत के पास रहने दिए थे। तो हम समझते हैं कि जब ये केस अक़वामे मुत्तहिदा में गया था और जब अक़वामे मुत्तहिदा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था एज ए डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज प्लस कश्मीरी भी जो कि प्राइमरी पार्टी है, तो उसके साथ ही एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की कानूनी हैसियत ख़त्म हो गई थी अक़वामे मुत्तहिदा की नज़र में। क्योंकि अगर वो तो फिर तो कहते थे कि भारत का है और आप जो है खाली करें। जब उसने उसको कहा कि जी दोनों मुल्क जो हैं वो विड्रॉ करें अपनी फोर्सेज और जो भी उसके बाद जो भी उसका बात हुई, तो जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन उसकी तो कोई हैसियत नहीं है, इसीलिए 370 की भी हमारे लिए कोई हैसियत नहीं है। लेकिन क्योंकि 370 से कश्मीर की जो मकबूजा कश्मीर की जो सियासत है या जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं एक लिहाज से कि जो उनके पास एक थोड़ी बहुत नाम नहाद दाखिली आज़ादी या खुद मुख्तारी थी वो भी उनसे छीन के ले ली गई है। और उसके अलावा ये है कि ये आप देखिए कि कश्मीर पे जो हिंदुस्तान की जो ट्रांसग्रेशंस हैं लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव वो बढ़ती जा रही हैं। आपने इस हवाला दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली का, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के तहत जो पहले इंतखाबात हुए थे उस पर सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा था कि ये इंतखाबात जो हैं ये इस्तेसवाबे राय का प्लेबिसिट का यूएन ऑर्गेनाइज प्लेबिसिट का सब नेम और बदल नहीं है, इनकी हैसियत यूएन के नज़दीक सिर्फ ये है कि जो उनके मुकामी मसाइल हैं उनके हल करने के लिए। चुनाचे ये तो हुआ, पहले भी कहा और बाद में भी कहा, बिल्कुल कहा। अच्छा, अब आगे जो 370 जैसे आपको पता है कि जो ही इसका रिवोकेशन हुई तो ही कश्मीरियों की काफ़ी तादाद जो है वो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में चली गई और वो 4 साल तक उस पर वो उनके पास पड़ा रहा। इस साल जुलाई में उन्होंने फैसला किया कि हम उसको सुनेंगे और 2 अगस्त से उसकी शुरू हुई है, सुनवाई शुरू हुई है, समाप्त शुरू हुई है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो वो जब 370 को जिसको कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो थी कश्मीर की उसने जब उसको फ्रेम किया था और उसको जब अप्रूव किया था एज पार्ट ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कश्मीर एज वेल एज जो पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें जो था कि इसकी बिकॉज इसकी जो जो ऑथर थे या इसके जो जो बनाने वाले थे वो कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी और उसमें एक क्लास थी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ही इसको ख़त्म कर सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली फिर जो अपना ये दस्तूर देने के बाद कश्मीर का दस्तूर देने के बाद वो तहलील होगी। उसने इसको 370 को
ख़त्म नहीं किया, तो उसके हिसाब से आप कानून जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि उसके बाद इसको इट हैज अटेंड फाइनलिटी, अब्दियत इसको हासिल हो गई है। रावी साहब तालिब इल्म आपसे ही सीखा है, समझा है हमने कश्मीर के इशू को, लेकिन ये जो दस्तूर साज असम्बली है थी, ये भी तो एक कठपुतली और नाम नहाद दुरुस्त है। इसके साथ तो एक डील हुई कि आप हमारा नाम नहाद जो अलहाक की दस्तावेज है आप उसकी तौसीक कर दें, हम बदले में आपको ये लॉलीपॉप देते हैं। बल्कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि उस दिन शेख अब्दुल्ला साहब ने असम्बली में आकर कहा कि ये वो दिन तुलू हुआ है जो जिंदगी में एक ही बार तुलू हुआ है। और फिर कुछ अरसे के बाद लिख रहे थे कि हमसे गन पॉइंट पे साइन लिए, वो उसके तब तक वो उनके हो गए, वो हनीमून पूरा हो गया था, उनको बजारते आला से या उसमें से हटा दिया गया था। तो अब दूसरी बात ये है कि जो ये भी आप बेहतर जानते हैं कि जब ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, इसको आपने रिवोक करना है, रिवाइज करना है, ऐड करना है, माइनस करना है, उसके लिए आपको आइनी तरमीम की ज़रूरत होती है, जिसके लिए जो विच हैज़ टू बी मूव्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और ये जो इन्होंने किया था वो तो पार्लियामेंट की एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से किया था, एक रेजोल्यूशन जो पास किया गया था, उसके बाद जो विच वॉज फर्दर जिसकी बेस पे प्रेजिडेंशियल ऑर्डर हुआ था जिसकी वजह से इसको रिवोक किया गया। लेकिन रावी साहब ये तो इंडिया का अंदरूनी फासिज्म होगा ना, कानून साजी का, जुरिसप्रूडेंस का, कि उसने क्या वारदात पहले की क्या अब की, इसका किसी हद तक कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी पे असर हो सकता है। लेकिन जो कश्मीर का मुकदमा है असल इंटरनेशनल लॉ की रोशनी में, वो तो इससे बेनियाज है कि भारत 370 लाता है या उसे इन्वोक करता है या उसे रिवोक करता है या 380 लाता है या 390 लाता है, उसकी तो फाउंडेशन कुछ और है ना। बिल्कुल नहीं, देखिए ये बात तो बड़ी क्लियर है ना कि इंडिया अपने 75 साल के कब्ज़े के बावजूद, वहाँ पे बकौल उनके बड़ी डेवलपमेंट आने के बावजूद, ट्रेन भी आ गई, बिजली भी आ गई, ये भी हो गया, उसके बावजूद इंडिया ने कश्मीर लिया है, कश्मीरी नहीं ले सका। कश्मीरी अभी भी उसी जगह खड़े हैं जहाँ पर 1947-48 में खड़े थे, वो अभी भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो अभी भी जो है पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। और वो इंडिया का तसल्लुत ना उन्होंने तब कबूल किया था जो फौजी तसल्लुत था और जो फौजी बूटों के लिए था, और उसको कायम करने के लिए भी जो इंडिया ने 9 लाख 7 लाख 9 से 9 लाख फौजी रखे, उसके बावजूद जो है वो कश्मीरी को नहीं ले सका। और उसके अलावा जो जब ये पिछले 4 साल में उनका ख्याल ये था कि जब हो जाएगा ये, उन्होंने रिवोक भी कर दिया, स्टेटस भी ले लिया और रियासत को टुकड़े भी कर दिया, 2 टुकड़ों में बांट दिया यूनियन टेरिटरीज में, उसके बावजूद जो है कश्मीरी अपनी जगह उससे मौके से नहीं। सर ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जो ज़मीनी हकायक तब्दील हो रहे हैं इन माहौसाल में जो बदले हैं, आज मैं पढ़ रहा था कि कुछ 40 लाख के करीब हिंदुओं को बतौर वोटर रजिस्टर किया गया है, और जो हिंदू अक्सरियत के इलाके थे लाइक जम्मू वगैरह, उनके हल्के इस तरीके से उसको डिलिमिटाइज किया गया कि उनकी को 10-12 नशिस्तें भी बढ़ा दी गई। जी जी। और पता नहीं कितने लाख एकड़ अराजी पे भी इंडियन आर्मी का कब्जा हो गया। तो ये जो हमारी खामोशी है, ये अगर इसी तरह जारी रही तो एक वक्त आएगा, मुझे तो डर है कि वो जो डेमोग्राफिक चेंजेस ऐसी होंगी कि आपकी अक्सरियत अकलियत में बदल जाए। देखिए ना, इंडिया ने जो ये किया है, ये तो इसराइल से उसने इसराइल की जो वर्कबुक है उससे पेज उधार लिया है, जिस तरह उन्होंने अलकुद्स के साथ किया, वेस्ट बैंक के साथ किया, गजा के साथ किया, ये भी उस तरह ही कर रहे हैं। और ये जो जो इन्होंने ये सब कुछ किया है, उसके बावजूद पोजीशन ये है कि जो अगर आप देखें इसको, इफ़ यू थिंक इट एट एज नोशनली, तो आप समझेंगे कि विड्रॉल हुआ है, रिट्रीट हुई है हमारी या कश्मीरियों की विजा वी इंडिया, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी वो तो वहीं है, जो कश्मीरी हैं वो तो वहीं बैठे हुए हैं, वो तो वहीं खड़े हुए हैं। और ये जो आपने जो बातें की हैं उससे, और जो इनका जो ये एक्ट था, ये बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में था, ये उसकी उसका एक रीज़न ही था, वो ये करना चाहते थे, दे वांटेड टू डाइल्यूट द मुस्लिम पॉपुलेशन, और उसके फिर ये कि जब हो जाए उसके बाद 5-7 साल के बाद ठीक है आप राय शुमारी करवा लीजिए। और जो आपने बात की है उसकी डिलिमिटेशन की, वो डिलिमिटेशन इटसेल्फ जो है वो इलीगल है। उसकी वजह ये है कि जो इनकी डिलिमिटेशन की जो होनी थी वो 2026 में होनी थी, इन्होंने उससे पहले गालिबन उल्टा सीधा को सेंसस करा के वो कर लिया, और उसकी वजह से उन्होंने ये किया कि जम्मू की और वैली की नशस्तें, जम्मू की जो है 6-7 नशस्तें बढ़ाई और वैली की 1 बढ़ाई। अब जो जम्मू और वैली की जो सीटें हैं उसमें कोई 3-4-5 का फ़र्क रह गया, मतलब उनका ये है कि जम्मू तो गैर मुस्लिम है और वो बीजेपी या इंडिया की जो पार्टी है वो ले लेगी, और जो वैली है उसमें से जो जो इलाके हैं जो 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 इंडिया के लिए या इंडिया की पार्टी के लिए वोट करते हैं वो 4-5 लेंगे। तो वो फर्स्ट टाइम एक हिंदू को एज चीफ मिनिस्टर लेके आएंगे वहाँ पे, और ये बाकी बातें वो तो फिर साथ साथ चलती रहेंगी। ब्रिगेडियर साहब, ये जो कुछ वहाँ पे हो रहा है वो तो, और हम क्या कर रहे हैं वैसे?
दो चार दिन हम मना लेते हैं, पहले 5 फरवरी था, अब हमने बीच में यौम इस्तेसाल भी शामिल कर लिया, रस्म पूरी कर देते हैं हम। सच्ची बात है कि इस तरह से तो बात नहीं बनती सर। मेरे ख्याल में सबसे हमारा जो अलमिया है वो ये है कि एक कंटिन्यूटी पॉलिसी में हमारा एक तसलसल नहीं रहता, और पॉलिसी का तसलसल जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारा अप्रोच, जो भी पार्टी के इख्तलाफात हैं, सियासत अपनी जगह पे, लेकिन एक मुल्क के लिहाज से, खित्ते के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से, कश्मीरियों के लिहाज से एक मुद्दा है जो 1947 से अभी तक आ रहा है। इस पे आपने देखे जिस तरह अंद्राबी साहब ने कहा हिंदुस्तान जो कुछ भी करता है वो करे, लेकिन हम इस मसले को कॉन्स्टेंटली इंटरनेशनल फोरम पे उठाते रहें उसी शोर से। इसमें ये नहीं है कि आज मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट है या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो वो एक सॉफ्ट अप्रोच ले आएँ ताकि वो दुनिया को ये दिखाए कि हम तो अमन पसंद है और दुनिया के साथ जो है हिंदुस्तान के साथ ठीक है। अब चाइना की मिसाल ले ले, चाइना ने एक कंटिन्यूटी के साथ एक उनके जो भी मतनाज़ इलाके थे उन पर अपना मुद्दा उसी तरह रखा, अपने आवाज़ को उसी तरह रखा। हमने देखे इस मसले पर, आप देखें 1947 में अक्वाम मुत्तहिदा में चला गया, उसके बाद 3 कमीशन बने, ग्राहम मिशन, ओवन डिक्सन, फलाना फलाना, ये तमाम, इससे ये तमाम, और इनकी करारदादें मौजूद है, इससे ये पता अभी तक वो करारदादें उसी तरह इंटैक्ट है। हिंदुस्तान जो कुछ भी करे वो क्या कर रहा है, वो अब जिस तरह वो डिलिमिटेशन है या लोगों को 40 लाख जो आपने बताया लेके आ रहे हैं, डेमोग्राफिक सिचुएशन को चेंज कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कश्मीर कास को 2 तरीके से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक तो ये है कि हमने अपनी इंटरनल डिवीज़न की वजह से, क्योंकि हमारा जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो डिवाइडेड है, और वो डिवाइडेड बीइंग डिवाइडेड या उसकी वजह से, इंतशार की वजह से हमारा जो एक फोकस है, एक फोकस अप्रोच है, वो इस मसले पर हम दुनिया को ना दिखा सके। और दूसरी बात यह है कि सईद अली गिलानी जैसे कदावर शख्सियात के जाने के साथ उनमें अंदर जो वो लीडरशिप का वैक्यूम है, या यासीन मलिक जो हमारे जिसकी आज वो भी है यासीन मलिक, वो जेल में मुसलसल जेल में, और बाकी जो आसिया अंद्राबी है या जितने भी लोग हैं वो, उनको भी वो स्पेस नहीं मिल रहा है। या गिलानी साहब तो चले गए, बीर साहब गिलानी साहब तो चले गए, अल्लाह उनको जन्नत दे, यासीन मलिक साहब तो मौजूद है, यासीन मलिक साहब के साथ जो कुछ वहाँ पे हो रहा है हमें जेब देती है ये खामोशी जो हमने इख्तियार की। यही तो मैं कह रहा हूँ, कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो यासीन मलिक के लिए ह्यूमन राइट्स का एक मुकदमा तो खड़ा कर सकते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे यही फेलियर है, हमारा सबसे बड़ा फेलियर जो हिंदुस्तान को इस कश्मीर के मसले को बड़ा एक नुकसान पहुंचा, और शिमला की एग्रीमेंट की वजह से। अब जब भी हम बात करते हैं वो कहते हैं जी शिमला में हमने इसको बाइलेटरल किया हुआ है, वो बाइलेटरल है लेकिन हमने इसको प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, प्रीएम्बल के लिखा में कि इशू जो है वो उसी तरह इंटरनेशनलाइज है, म्यूचुअल डिस्कशन होती रहेगी। और दूसरी बात, हमारा जो सपोर्ट था रीजनल और इंटरनेशनल वो भी एक बड़ा उसमें जो है ना एक दराड़ पड़ गया, क्योंकि लोग देखते हैं आपको, अगर वो मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, आपको अपना उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप उसके लिए अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम क्यों गूंगा शैतान तो मैं नहीं कहता, खामोश क्यों होंगे? इसके पीछे तो कई अवामिल हैं। एक तो हमारा अपना इक्तदार की हवस कि अमरीका बहादुर जो है वो ये चाहता है कि हिंदुस्तान को आप डिस्टर्ब न करें, इरिटेट न करें, लिहाजा इधर के लोग जो है वो दे आर डांसिंग टू द ट्यून्स ऑफ समबडी एल्स, कि जी हम इनको ये कहे कि हमारा हमें इक्तदार में ले आएँ क्योंकि हम कश्मीर पे बड़े साफ, वो जो भी है एनीबडी हु जैद अमर बकर, लेकिन जब तक अपनी ज़ात से, अपने इक्तदार से इंटरनेशनल जो हमारा इशू है या मुल्क का जो इशू है, आवाम का जो इशू है, कश्मीर, हम कश्मीरियों के साथ इसलिए नहीं है कि हमें एक पीस ऑफ लैंड चाहिए, ये एक नज़रियाती जद्दोजहद है, ये उनके साथ एक हमारा वादा है, इट इज़ एन अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द पार्टीशन प्लान। अच्छा साहब, जब हम आपस में बैठे हैं तो हमें कुछ तल्ख बातें भी करनी चाहिए। पाकिस्तान से जिसने मोहब्बत की हमने उसको या डिच किया कह लें या बुला दिया कह लें,
मशरकी पाकिस्तान में अभी तक फांसियाँ हो रही हैं। अली गिलानी की जिस तरह शहादत ही हुई, ज़ाहिर मेडिकल आपने उसको डिनाई किया, आपने इंडिया ने उसको डिनाई किया, हम तो उस पर भी खामोश नहीं। अब यासीन मलिक साहब के साथ जो हो रहा है, कत्ल हो रहा है, इनिशियल मर्डर हो रहा है, खबर आ जाएगी खुदा न खास्ता किसी दिन की यासीन मलिक साहब या मार दिए गए या इंतकाल कर गए, उसके हम ताज़ीती बयान दे देंगे। तो आप क्या पाकिस्तान के खैरखाहों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारे लिए जो अपनी ज़िंदगियां लगा देते हैं, हम उनके साथ क्या करते हैं? आपने एक ऐसे तार को छेड़ा जिस पर अगर मैं बोलता जाऊँ, अंद्राबी साहब भी मेरा साथ देंगे। मैं W. चौधरी की किताब को पढ़ रहा था, द लास्ट डेज ऑफ द यूनाइटेड पाकिस्तान। उसने कहा, वो एक प्रोफेसर था और वो आया था उस पर पाकिस्तान के सिविल सर्विसेज में आया था, सेकंडमेंट पे अयूब खान लेके आया था। वो कहता है यूनिवर्सिटियों में उस वक्त से ये डिबेट हो रहा था कि पाकिस्तान का जो हुसूल था वो ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह को एक एक मजहबी एक वो था, एक नज़रिया था, लेकिन सबसे बुनियादी चीज़ उसमें इंसाफ का हुसूल था। ये एक फंडामेंटल कास्ट था कि जी हिंदू मेजॉरिटी में है, हमें पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, इकोनॉमिक राइट्स नहीं मिल रहा है, एजुकेशन इनके नुमाइंदे ज़्यादा है, तो पाकिस्तान बेसिकली एक इंसाफ के हुसूल पर जो है हासिल किया गया। कहते हैं जब यही बात बंगाल की यूनिवर्सिटियों में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान को इस वजह से हासिल किया गया तो हमें क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो जिस चीज़ को आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं उसको आप दूसरों के लिए पसंद नहीं करते, नंबर एक बात। दूसरी बात, हुसैन शहीद सोहरावर्दी वो शख्सियत थे जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में सबसे पहले मुत्तहिदा बंगाल में पाकिस्तान की रेजोल्यूशन को उसने अप्रूव किया था, पास किया था उस रेजोल्यूशन को। उसको हमने किया क्या, जाके जलावतन किया, बैरूत में जाके मर गए। वो तो खैर हमने सिर्फ अच्छा, बंगाली रहनुमाओं के साथ नहीं किया, पंजाबी रहनुमाओं के साथ। मैं इसी तरह आपको कह रहा हूँ, मैं उस भी आप अब देखें उससे अफगानिस्तान और आपके दरमियान, आज आप पिछली दफ़ा हमारी डिस्कशन हो रही थी कि हमारी जो है पाकिस्तान में अफगानिस्तान में मिसट्रस्ट क्यों, इसलिए कि आपकी पॉलिसी में जो मैं जिस जहाँ बात शुरू की थी दोबारा उसकी तरफ आ रहा हूँ, तसलसल नहीं है। आप कैसे एक एम्बेसडर को, जो मुल्ला ज़ईफ़ ने किताब लिखी आपकी नज़र से गुजरी, मैं एक ख्वाब देख रहा था 6 दिन पहले कि एक बड़ा भाई मुझे आया और मेरे सीने में छुरा घोंप रहा है। मैंने कहा क्यों कर रहे हो, मैंने आपके साथ क्या ज़्यादती की है? आपने बिल्कुल आदाब को, सिफारती आदाब को, तसलसल को, मफादात को, रीजनल को, और एक इलाकाई जो एक स्टेबिलिटी है, और कौमें इस तरह एक दूसरे की बुराइयों को और अच्छाइयों को नहीं भूलती। आपने तहरीक खिलाफ में टर्कों का साथ दिया, आज भी वो आपको सबसे ज़्यादा इज्जत आपको देते हैं। आपने इजिप्ट के साथ 0+0, अंद्राबी साहब को ज़्यादा पता है, आज भी आप जाएं इराक़ में वो आपसे उतनी नफरत करते, उनको वही तारीखी अल्फाज याद है आपके। कौमें बुरी चीज़ें भी नहीं भूलती, अच्छी चीज़ें भी नहीं भूलती। ठीक, अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ हैं, तजज़ियाकार हैं। अब्दुल्ला गुल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका और माजरत के थोड़ा सा। नहीं, यू आर वेल इन टाइम सर, थैंक यू वेरी मच। ये बताइए कि अगस्त 2019 से अगस्त 2023 तक, सादा सा सवाल है, बड़ा सीधा सा सवाल है, जो कुछ पाकिस्तान को करना चाहिए था क्या पाकिस्तान ने किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगस्त 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक हमने सियासत की है ना, और अल्लाह का शुक्र है अपनी जात और अपने मफादात की सियासत खूब बढ़ चढ़ के की है। और जो कौम के अंदर एक जज्बा था जो कि सबसे बड़ा जज्बा था कि वो कश्मीरी कौम के साथ, इस मकसद के साथ, इस अधूरे एजेंडा जो पाकिस्तान का एक अधूरा एजेंडा है उसको मुकम्मल करने में जो कौम का किरदार था उसको हमने ख़त्म कर दिया। नतीजा यह हुआ कि 5 अगस्त के बाद हमारे साबिक वज़ीर आज़म साहब ने यह कहा कि मैं आपका सफ़ीर हूँ और अब मैं आपका अलम लेके आगे जाऊँगा। यूनाइटेड नेशन में भी तकरीर 27 सितंबर 2019 को बहुत खूबसूरत की और अमल जो है वो कहीं नज़र नहीं आया। अब जो बातें सामने आ रही हैं वो तो ये आ रही हैं कि इधर हम उधर तुम की बातें जो है वो चल रही थी, और हमने देखा कि ये तमाम जो शख्सियात जो उस एजेंडे के अंदर शामिल थे जिन्होंने कश्मीर को फरोश किया, वो आज दुनिया और जो है ना दुनिया में अपने मेरे ख्याल में एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं जो कि अच्छा मुकाम नहीं है।
अब ये ऐसी सारी बात ये है कि उसकी वजह एक कश्मीर की जो मूवमेंट थी उसको आपने एक रौफ पहुंचाया, लेकिन ये कश्मीर की मूवमेंट जो है ये रौफ नहीं पहुंचता आप को, क्योंकि हमें ये फैसला करना है कि कश्मीर है पाकिस्तान या बनेगा पाकिस्तान। क्योंकि जो 20 जुलाई 1947 को जो फैसला हुआ कि हमने पाकिस्तान का साथ देना है सरदार इब्राहिम के घर के अंदर और हमने इलाके पाकिस्तान अपनाना है, जब तक के 27 अक्टूबर तक जब तक के भारत की नापाक फौजें जो थी वो इस वादी में नहीं दाखिल हुई तो ये पाकिस्तान का हिस्सा था, इसलिए ये बनेगा पाकिस्तान वाला जो नारा है ये तो है ही गलत। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि हमने आज तक क्या किया, तो हमने सियासत भी की, हमने जो अपनी खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर लुक बिजी डू नथिंग वाला काम किया। अभी भी हमारे जो वजीर आजम साहब ने परसों जो एक स्टेटमेंट दी जो कि एक सेमिनार में, मैं समझता हूं कि ये तो एक वायलेशन थी, उसकी वजह यह है कि उन्होंने नाम लिए बगैर भारत के साथ मुज़ाकरात की बात की, जबकि हमारा एक स्टेटेड पॉलिसी है कि हम जो है जब तक आर्टिकल 370 और 35A खत्म नहीं, वो वापस अपनी हालत में नहीं आता तब तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो आपने बात की है यही एग्जैक्टली मैं सवाल करना चाह रहा था, मैं अब उसको रिफ्रेज कर देता हूँ। ये मामला क्या है, जब जब ये इशू हुआ तो हमने रابطے भी उनसे मुनक़त किए, कुछ अपनी सफारती ताल्लुकात भी कुछ कम किए, डाउनग्रेड किया उनको, स्टेटेड पॉलिसी थी पाकिस्तान की कि अब हम ये करेंगे। अभी पीछे उनकी स्टेटमेंट आई कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पाकिस्तान के साथ जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर अटैक करेंगे, अभी आई है, चंद दिन पहले आई, उसका दफ्तर खारजा ने उसके ऊपर बयान भी दिया। तो ये जो हमारे वज़ीर आज़म साहब को अचानक मुज़ाकरात याद आ गए, इसकी वजह क्या है? सर दफ्तर खारजा उनको ब्रीफ नहीं करता, हमारी फॉरेन पॉलिसी की कोई सिमत नहीं है, जिसके मुंह में जो आता है वो बोलता रहता है, या ये एक शौरी सरेंडर है, ये है क्या सर? ये आपकी खारजा पॉलिसी तो है ही नहीं, खारजी पॉलिसी है, ये एक हकीकत है। अब आपकी कोहेरेंसी नहीं है, ना गवर्नमेंट के अंदर कोहेरेंस है, ना आपकी जो है वो दफ्तर खारजा जो है आपको पता है उसके सरबरा कौन है और वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी और पार्टी से हैं, तो ये चूं-चूं के मुरब्बे में जिसको अंग्रेजी में बड़ी खूबसूरत बात कही जाती है कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, इसलिए जो टू मैनी कुक्स हैं वो ब्रॉथ को स्पॉइल कर रहे हैं और जाने से पहले ये एक शोशा छोड़ रहे हैं कि हमने तो एक अपने मजाकरात जो है उसके लिए हम दुनिया में जो बड़ा एक रोजी पिक्चर है, एक गुडी पिक्चर है, वो हम पेश कर रहे हैं। देखिए इसके पीछे जो बड़ी वाजे बात है वो ये है कि कश्मीर जो है वो किसी की पॉलिसी का मरहूने मिन्नत नहीं है। कश्मीर की ये अभी ब्रिगेड साहब बात कर रहे थे, कश्मीर की तो बुनियाद जो एक बंगाल से शुरू हुई थी पाकिस्तान की और एक जो है वो कश्मीर से चली थी, तो ये दोनों आज़ादी की मूवमेंट जो चली थी उसके अंदर बंगाल कहाँ खड़ा है और आज हमने कश्मीर को कहाँ खड़ा किया। आसिफ साहब एक सीधी सी बात है, अब जो हम ये बात करते हैं कि हम सियासी सिफारती अखलाकी बुनियाद के ऊपर हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं और हम उनकी सपोर्ट करते हैं, मेरा सवाल ये है, पूरी कौम से सवाल है, और वो ये है कि क्या अगर ये वाकयात भारतीय फौज जो थी अपने नापाक कदम अगर हमारी सरजमीन बलूचिस्तान पे रखती, हमारे जो है वो फ्रंटियर में रखती, हमारे पंजाब में रखती, हमारे सिंध में रखती, तो क्या तब भी हम सियासी सिफारती इखलाकी बुनियाद और कहते हैं कि ये सिंधियों की या बलोचों की या पश्तूनों की या पंजाबियों की जो है वो हम उनकी मदद करेंगे इखलाकी बुनियाद के ऊपर? तो दिस इज वेरी क्लियर, आप देख लें कि इसकी बुनियाद के ऊपर हम कहाँ खड़े हैं। हमने 3 जुम्मे 1-1 मिनट खामोशी इख्तियार की, नतीजा ये हुआ कि वो जो कौम जो कि एक पूरी कौम हमेशा कश्मीर की जो है मुआविन थी, उसकी पुश्ती बांध थी, वो कश्मीर से बिल्कुल उनकी तवज्जो हट गई और लोकल सियासत के ऊपर आके ठहर गई। हमने आज तक कश्मीर लिबरेशन काउंसिल का क्याम नहीं किया, हमने जो है आज तक कश्मीर हाउस के अंदर वो बात नहीं की। आज आप अगर तुर्की जाएं तो वो आपसे साइप्रस के ऊपर बात करेंगे, आप जो है वो कोई दुनिया की बात करें वो आपसे साइप्रस पे करेंगे, आप ईरान जाएं वो आपसे फलस्तीन की बात करेंगे। आपके मुल्क में दुनिया भर के डेलीगेशन आ भी रहे हैं और आते भी रहे हैं,
आपने किस से जो है वो आके सबसे पहले टू बिगिन विद आपने उनसे कहा कि जी कश्मीर के ऊपर आप क्या करें, आप दफ्तर खारजा की बात करें, मुझे बताएं पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के सिफारतखाने हैं, आज जो मणिपुर के अंदर हो रहा है, जो जयपुर में हो रहा है, जो गुरुग्राम में हो रहा है, जो दीगर जगहों के ऊपर भारत के अंदर जो सिखों के साथ जो है हो रहा है, आज हमारा जो सिफारत खाने हैं वो कितने लोगों को बुला के ब्रीफिंग दे रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो इस मामले को उठा रहे हैं, अब होना क्या है। एक बात, एक जुमला मेरा बड़ा, मैं चाहूंगा कि फिर हमारे शुरका इस पर गुफ्तगु करें। ये जो अब उन्होंने शुरू किया 4.2 मिलियन लोगों को उनकी आबादियाती नक्शा तब्दील करने का, जिसको डेमोग्राफिक चेंजेस कहते हैं, वो जब करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर अब जो है वो कहेंगे प्लेबिसिट कर लो। अब हक़ खुद इरादियत के ऊपर जब बात आएगी तो ये तो बाहर से लोग आए हुए हैं, तो रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे, मैनिपुलेट हो जाएंगे। जब हो जाएंगे तो वो कश्मीर को कहेंगे कि जी ये तो अब हमारा अटूट अंग बन गया और ये तो अब यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन इस पर इतलाक हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि दफ्तर खारजा ने, मैं 5 साल से ये बात चिल्ला रहा हूं कि दफ्तर खारजा क्यों नहीं लिख रहा ये बात को कि यहाँ जो आबादियाती नक्शा तब्दील हो रहा है, जो 370 और 35 पे खत्म किया गया, अब इंडिया यूनाइटेड नेशन के चार्टर से बाहर आ गया है, ये चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 की बात नहीं रही, दे आर आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ यूनाइटेड नेशन और उन्होंने वायलेट किया है, और अगर वायलेट कर दिया है तो पाकिस्तान ने इसका अभी तक क्यों नहीं इसको ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, एक लीगल केस क्यों नहीं खोला। अब्दुल्ला गुल साहब, आपने अहम नुक्ता उठाया है, चूंकि आपने हमें थोड़ा बाद में ज्वाइन किया, तो इस नुक्ते के ऊपर हम तफसील से पहले सेशन में हमने बात की है कि ये जो वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस आ रही हैं इसके ऊपर हमने क्या करना है। इश्ताक द्रावी साहब, एक और सवाल है, उसूलन सवाल तो मुझे आपसे सफारती पूछना चाहिए, लेकिन उस पर हम काफ़ी बात करते रहे हैं और कर चुके हैं। हमारे पड़ोस में इतनी बड़ी अजीमत की तहरीक चले, सैयद अली गिलानी, यासीन मलिक, किस किस का नाम लें, कोई 30 साल किसी ने जेलों में ज़िंदगी गुजारी, नहीं किसी ने 25 साल गुजारी। हमारे यहाँ अच्छी गवीरे के आशिक तो बहुत हैं, शायद वो मुसलमान नहीं था इसलिए उसके आशिक बहुत हैं, और अली गिलानी साहब का और इनका गुनाह मुसलमान होना, ये जो भी हो, मेरा सवाल थोड़ा सा ये है, ये एक आम शहरी के तौर पे एक आम शहरी से सवाल है कि जब कोई तहरीक चलती है, जब कहीं अजीमत का बाप रकम होता है, तो वो आपके अदब में भी छलकता है, उसके ऊपर नज़में कही जाती हैं, उसके ऊपर ड्रामे लिखे जाते हैं, अफसाने लिखे जाते हैं। कश्मीर में इतनी बड़ी तहरीक चली, हमारा अदीब कहाँ है, हमारा शायर कहाँ है, साथ मिला लें कि हमारा निसाब कहाँ है, हमारे निसाब में, हमारे निसाब में मिस्टर चिप्स आ सकता है तो अली गिलानी, अली गिलानी से टावर पर्सनल था कि मैं जब छोटा था, स्कूल में था, तो फिरोज सन्स के नावल होते थे छोटे छोटे बच्चों के, जो मैं बड़े शौक से पढ़ता था, उसमें एक थी कश्मीर की बेटी, और वो पूरा नावल जो है वो कश्मीर की जो जंग आज़ादी है 47-48 की, उसके बैकग्राउंड में लिखी गई थी कि एक बच्ची है जो लड़के का रूप धार के उसमें मिलिट्री का उसमें गुरिला कार्रवाई में हिस्सा लेती है और करती है, वो थी। उसके बाद आप देखिए 65 तक हमारे छोटा मोटा जो है वो उसमें जिक्र होता रहा कश्मीर का और कश्मीर के मसले का। उसके बाद मुझे लगता है कि हमने शायद कश्मीर की ओनरशिप छोड़ दी, हमने शायद, या उसके बाद 71 के बाद हमें ऐसा लगा कि कश्मीर जो है वो हमारा मसला नहीं है, एक मसला है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है बट ये हमारा मसला नहीं है। और आपकी बात सही है, अब्दुल रब्बुल्लाह साहब ने भी सही कहा है कि हमारे तो निसाब में होना चाहिए था कश्मीर की तारीख, मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी अली गिलानी की ज़ात, तो आप आप जानते हैं अली गिलानी की ज़िंदगी के मुतालिक कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस एक चीज़ पे, एक नारे पे तज दी, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। और एक अली गिलानी नहीं, हर गांव में कई अली गिलानी हैं कश्मीर में जिन्होंने इसी इस पे डिटर्मिनेशन पे अपनी ज़िंदगियां, अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो उसके बाद हमने क्या किया, ना सिर्फ ये कि हमने उनको रिकगनाइज़ किया और बल्कि ये कि हमने उनको भरा दिया। और अब जो है, अगर आप जो यहाँ पर थोड़े से मैं आज़ाद कश्मीर के नज़दीक के जो इलाके हैं, रावलपिंडी, पेशावर वगैरह के, गुजरा वाला, जहाँ कश्मीरी महाजरीन काफ़ी आबाद है, वहाँ तो शायद कोई जिक्र है, लेकिन अंदरून सिंध में, जनूबी पंजाब में किसी को पता भी है कश्मीर क्या है, हमारा क्या उस पर क्लेम है, क्या स्टेक है। उसकी वजह ये है कि हमने जो हमारे जो निसाब, तो अभी भी आपने जैसा मिस्टर चिप्स की मिसाल दी, हमारे तो उसमें मिस्टर चिप्स की का जिक्र है, हमारे रसूल पाक की हयात तैयबा का कोई जिक्र नहीं है, उनको एज ए आइडलाइज नहीं किया गया। और तो हमारा जो निसाब है वो तो, और बल्कि अब तो जब से ये इंग्लिश मीडियम स्कूल आए हैं, बीकन हाउस वगैरह और दूसरे, जहाँ पे जो है ऑक्सफोर्ड का और इंग्लैंड का और अमेरिका का निसाब पढ़ाया, उसमें तो हमारे जो जो मज़हबी और हमारे जो सोशल
जो वैल्यूज़ हैं उसको नेगेट करने की उसमें बातें हैं। अच्छा इदरावी साहब, एक दिलचस्प बात है कि हमारे जो उर्दू का लिटरेचर है उसमें फ़लस्तीन पे तो बहुत कुछ मिल जाता है, फैज साहब से लेके नूर मीम राशिद तक और इंतज़ार हुसैन से लेके मुस्तनसर हुसैन तारट तक बहुत कुछ, बल्कि फतेह मलिक साहब ने किताब भी लिखी है फ़लस्तीन उर्दू अदब में। जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मेरे जहन में दो सवाल आए थे। पहला सवाल ये था कि क्या कश्मीर कहीं अरबी अदब में भी है? फ़लस्तीन तो उर्दू अदब में आ गया, कश्मीर पे भी किसी को अरबी अदब में कुछ लेके? फिर मैंने सोचा कि कश्मीर पे तो उर्दू अदब भी खामोश है, अरबी अदीब से तो हम बाद में शिकवा करें। नहीं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि कोई पर्टिकुलरली अरब ममालिक में, तो कश्मीर पे काफ़ी बात होती भी है। और मेरा दो ममालिक में मैंने सर्व किया है मिडल ईस्ट में, दोहा जो मेरी पहली पोस्टिंग थी और बैरूत, और इन दोनों जगहों पे, बल्कि मिस्र जहाँ से मैंने अरबी सीखी थी वो ट्रेनिंग पोस्टिंग थी, वहाँ पे भी जो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के या जो इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट की स्टडीज़ के लोग हैं उनमें कश्मीर की अहम वो है, इल्म है। बल्कि बैरूत में मुझे याद है कि वहाँ पे एक साहब तो जो लिखते थे अरबी अखबार लिखते थे, तो उन्होंने एक सीरीज़ ऑफ आर्टिकल लिखे थे। आपने इसमें मिडल ईस्ट के सऊदी अरब के अपने अखबारों में देखा होगा कश्मीर का जो सहाफ़ती हद तक तो है ज़िक्र, लेकिन जो अदब है उसमें मेरा ख्याल है नहीं अदब, जैसा आपने कहा हमारे अपने अदब हमारे अपने अदब में नहीं है, तो उसमें क्या। अच्छा ब्रिगेड साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक जो काज से वाबस्तगी होती है उसकी एक मिसाल तो हमारे सामने अली गिलानी साहब की, यानी उम्र के आखिरी हिस्से में उनकी वो जो वीडियो है जिसमें वो अल्लाह पाकिस्तान कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इश्क तो नहीं हो सकता। काज से वाबस्तगी उनकी एक मिसाल, मैंने जब अपनी किताब कश्मीर वाली लिखी और मैंने बिल्कुल पब्लिशिंग के वक्त पब्लिशर ने कहा कि अगर इसका दिबाचा अली गिलानी साहब लिखते हैं, मैंने कहा उनसे तो रबता इस वक्त बहुत मुश्किल होगा लेकिन हम कोशिश कर लेते हैं। तो एक दिन सेकेंड टाइम मेरा रबता हुआ, जवाब मुझे ये मिला कि कश्मीर पर जो कुछ वहाँ पर छपा है वो हम पढ़ चुके, और दूसरे दिन मुझे दिबाचा मिल गया। ये होती है काज से कमिटमेंट। हम कहाँ खड़े हैं सर, यासीन मलिक का अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कि यासीन मलिक का मर्डर हो जाए या वो मर जाएं तो हम एक रस्मी सा बयान जारी कर दें कि बहुत दिल की गहराई से अफसोस हुआ है यासीन मलिक साहब के मर्डर पे या शहादत पे या इंतकाल। मतलब कोई पूरा मुल्क गूंगा हुआ पड़ा है, कोई यासीन मलिक के लिए ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव में आवाज़। मेरे ख्याल में ये अब्दुल्ला गुल साहब ने और अंदराबी साहब ने और आपने जो मुद्दा उठाया है, हमारा अदब बिल्कुल आपने सही कहा है कि हमारे अदब में तो मार्क्सिज्म और चे गवीरा और इन तो लोगों की मिसालें मिलती हैं, उन पर नज़में। आपके अभी ये कोशिश हो रही है, मैं तो अदब उसके निसाब से वाकिफ़ हूँ कि आपके अपने निसाब से भी कश्मीर गायब हो रहा है, जो लोगों को थोड़ा बहुत पता था। कश्मीर है वैसे। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, दूरबीन मिला तो मुझे दूरबीन लगा के आपको ढूंढना पड़ता है कि कश्मीर पर कोई चैप्टर है कि नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपके जो इंटरनल स्ट्रेंथ जब तक और फोकस नहीं है, देखिए यूनिवर्सिटियों में देखे कश्मीर डेज, कश्मीर पर सेमिनार्स होते थे, अब नहीं हो रहे हैं। आप देखें पाकिस्तान में नेशनल डेज के ऊपर कितने, आप देखें ये गवर्नमेंट आई है या पिछला गवर्नमेंट, कश्मीर पर कितने सेमिनार्स हुए। अली गिलानी जो एक मेरे ख्याल में हज़ारों साल में अली गिलानी जैसा लीडर नहीं इस खित्ते में। आप देखें ईरान में जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा, वो जाके बात करते फ़लस्तीन पर, बैरूत में जाए, जगह जगह टर्की में जाए, साइप्रस पर बात हो रही है, मिस्र में जाए, ये उनकी अपनी। कश्मीर कब हमारे फॉरेन पॉलिसी के एजेंडे पे पॉइंट नंबर वन रहा है कि इधर लोग आए हैं और हमने उनको कश्मीर पर ब्रीफिंग दी है कि ये हमारा मसला है। ले और परसों जो बयान आया है वो तो मेरे ख्याल में एस्टॉनिशिंग है, एक सरप्राइजिंग है कि जी हम जंग नहीं कर, तीन चार जंगें हमारी इस मसले पर। वज़ीर आज़म तलाश करते वक्त मैं यही कह रहा हूँ, फरमा बरदारी के साथ थोड़ी बसीरत भी देख ली जाए ब्रिगेडियर साहब, आधा तो इस तरह के बयान नहीं आएंगे। आधा मुल्क हमने खोया, हमारा मुल्क तार तार हुआ, हिंदुस्तान ने हमें प्रॉक्सी वार में इन्वॉल्व किया, अफगानिस्तान में इन्वॉल्व किया, बलूचिस्तान में इन्वॉल्व किया, ईरान के साथ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, और हम कह रहे हैं कि हमारा कोई मुद्दा नहीं। नहीं, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा नज़रियाती तौर पर टेरिटोरियल और इन और डेमोग्राफिकली हमारा सबसे बड़ा मुद्दा अगर नहीं है तो फिर कश्मीर पर आज तक हम जो है
बाल टू बाल बैठे हुए हैं। मकबूजा कश्मीर पे अब्दुल्ला गुल साहब ने बहुत अहम नुक्ता उठाया था कि अगर ये इंडिया बलोचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में आता था, क्या फिर भी हम सिर्फ सफारती इमदाद करते? मुझे डर है कि जो जंग हम मकबूजा कश्मीर में लड़ने से अवॉइड कर रहे हैं या हमने की, ये जंग हमें मुजफ्फराबाद में लड़नी पड़ेगी, और खुदा न खास्ता अगर वहाँ भी अवॉइड की तो फिर ये इस्लामाबाद में लड़नी पड़ेगी। जो गुल साहब ने बात की कि डेमोग्राफिक चेंजेस के बाद वो कहेगा कि इस्तिस्वाब राय करवा लो, बिल्कुल इस्तिस्वाब राय का फेज़ वन तो मकबूजा में होगा, उस जाली इस्तिस्वाब राय का, फेज़ टू का मुद्दा पाकिस्तान पर पड़ेगा फिर इधर, और यूँ लगता है कि वो जो अब तक मामला उधर रहा है वो उलट हो जाएगा हमारी बेबसीरती की वजह से। बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर उधर वो डेमोग्राफिक चेंजेस में कामयाब हो गए और ने इस्तिस्वाब राय किया तो फिर वो ये डिमांड करेंगे कि आपके पास जो कश्मीर है वो भी इसमें शामिल किया जाए। दिस इज़ वेरी बहुत डेंजरस सिचुएशन हो रही है। हम जो है कोई हमें एक कोहेसिव और एक ऐसा रिस्पॉन्स फार्मूलेट करना पड़ेगा जिस पे हम कश्मीर को दुनिया के सामने एक नए तर्ज से ले जाएं, नए हकीकतों से ले जाएं, कि जो कश्मीर इस पे 75-76 साल से पाकिस्तान का सबसे बुनियादी मसला, इसके लिए हमने आधा मुल्क गोया, हमने अपनी कौम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, हमने अपनी इकॉनमी तबाह कर दी, अफ़गानिस्तान में भी स्टेबिलिटी पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से इसलिए नहीं आ रही है कि वहाँ पर भी हिंदुस्तान इन्वॉल्व है पाकिस्तान को डीकैपेसिटेट करने में और ट्रबल करने में और प्रॉक्सी वार के इन्वॉल्वमेंट में। बलूचिस्तान में भी वही मसला है और तब बॉर्डर पर भी वही मसला है। अब फिर दहशतगर्दी का जो लेयर उठ रहा है, इसकी इब्तिदा, इसकी जो है ट्रेनिंग, इसके कैंप्स, इसकी जो कौंसलेट्स हैं वो कहाँ, कौन उनमें ट्रेनिंग कर रहा है? तो बुनियादी ये चीज़ जो सोर्स है वो कश्मीर है। कश्मीर पर आपका मुद्दा जो है, आपका हिंदुस्तान के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, ये एक नज़रियाती खलीज है। इस नज़रियाती खलीज को फिल करने के लिए आपको एक कोहेसिव, एक मरबूत फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है, जो फॉरेन पॉलिसी आपकी एट द मोमेंट मिसिंग है। इसकी वजह हमारी मुआशी मजबूरी है। अब ये तो मेरे ख़्याल में अंदराबी साहब से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये फॉरेन अफेयर्स में रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं, कि आप मईशत का ताल्लुक मईशत से बराह रास्त है। देखें, इसमें मईशत भी है, इसमें सियासत भी है, इसमें फरासत भी है, इसमें पर्दे के पीछे और भी कई राज हैं। क्यों ना अगर हम अब एक 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 अप्रोच जो पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से होना चाहिए, अगर हम उसको एडॉप्ट करें तो क्या मसला है? मसला यही है कि जो आपका एक सुपर पावर है वो हिंदुस्तान को इरिटेट नहीं करना चाहता, वो उसको काउंटर बैलेंस लेके आना चाहता है चाइना के अगेंस्ट, जहाँ पे उनके अपने इंटरेस्ट है, वो उनका एक इलाके में थानेदार है, ठीक है, थानेदार को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अब्दुल्ला गुल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। मेरा सवाल यह है कि जब हमने अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका का साथ देने का फैसला किया था तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक स्पीच की थी और उन्होंने कहा था कि कश्मीर काज को बचाने के लिए हमें यह फैसला करना पड़ा। अब जब ये जंग ख़त्म हुई है अब्दुल्ला गुल साहब, तो लग यूँ रहा है कि ना कश्मीर काज बचा और अफगानिस्तान में भी मसाइल हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो अज़ान एशा के लिए मुझे एक मुख्तसर सा वक्फा लेना है। अज़ान एशा के ब्रेक के बाद अब्दुल्ला गुल साहब की तरफ जाएँगे और अब्दुल्ला गुल साहब से इसी सवाल का जवाब लेंगे अज़ान एशा के बाद। वेलकम बैक जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब से ब्रेक बिताने से पहले सवाल ये था कि जब हमने वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बनने का फैसला किया तो ये जवाब पेश किया गया कि हमने अपनी कश्मीर पॉलिसी बचानी है। अब जब वॉर ऑन टेरर ख़त्म हुए, सालों बीत गए, कहीं पे ये डिस्कशन नहीं है पार्लियामेंट में, अव्वल तो होनी चाहिए थी कि जिस नुक्ते पर हमने वॉर ऑन टेरर में जाने का फैसला किया वो टारगेट हमने कितना अचीव किया, हमने कश्मीर पॉलिसी को कितना एक बचा लिया। अब्दुल्ला गुल साहब, यही सवाल मेरा आपसे सर। देखें, वो गलत था, झूठ बोला था उन्होंने, बाकायदा वादे परवेज मुशर्रफ ने झूठ बोला था और उन्होंने ये भी कहा था कि द वॉर विल बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज एंड इट विल एंड बिफोर रमजान। उसके ऊपर अमेरिकन ने कहा था कि हु टोल्ड परवेज मुशर्रफ कि ये वॉर विल बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, कि हमारी मर्जी की होगी। उन्होंने झूठ बोला, अपने कोर कमांडरों के साथ भी झूठ बोला। बस अभी तो बात वो अब दुनिया में नहीं रहे। मेरे ख्याल है कि इस मौजू को हम जो है वो यहाँ करें, कश्मीर का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। गो के उन्होंने कारगिल का वाकया किया था, मैंने दो ही सवाल उनसे पूछे थे, अगर ये कारगिल आपका फैसला था तो फिर आपने उनकी सपोर्ट क्यों नहीं की, जो कि एरियल सपोर्ट होनी चाहिए थी, आर्टिलरी की सपोर्ट होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं हुई?
तो और अगर ये आपका फैसला नहीं था तो फिर आप इतने नाअहल थे कि आपको पता ही नहीं था कि ये आपके नीचे ये हो रहा है और आपकी प्लानिंग ही इतनी जो है वो खराब थी। तो इस दोनों सवाल के जवाब उनके पास नहीं थे, उन्होंने मुझे डांट के खामोश करा दिया था, क्योंकि उस वक्त तक हमारे अंकल और भतीजे वाले ताल्लुकात थे। बाद में ये अलहदा बात है कि उसकी पादाश के अंदर मुझे जेल जाना पड़ा, मेरे वालिद को भी जेल जाना पड़ा। लेकिन बहरहाल मैं इसको दूसरी बात के ऊपर आता हूँ। देखिए, अजीत दोवल ने बड़ा वाजे बताया था कि एक नक्शा पेश किया उन्होंने और उस नक्शे के अंदर उन्होंने ये बताया कि जो नक्शा है वो क्या है। वो उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तानी जो कश्मीर है इसको भी ले लिया उन्होंने, जो कि हमारा आजाद जम्मू कश्मीर कहलाता है, उसको भी उन्होंने दरमियान में शामिल कर दिया। और अभी जो भारतीय पार्लियामान का इफ्तिताह हुआ उसके अंदर पूरे पाकिस्तान को शामिल किया गया। अखंड भारत का ख्वाब है, आप इसको फरामोश नहीं कर सकते। आपने 2019 में ये कोशिश की थी कि ठीक है तुम उधर सेटल कर लो, हम इधर सेटल कर लें, लेकिन भारत एक मक्कार और काइयां दुश्मन है, वो कभी भी नहीं मानेगा। उसको इस टाइम पे अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है, जैसे ब्रिगेड साहब ने कहा और इंद्राबी साहब ने कि वो चाइना की मखासमत में उन्होंने काउंटर बैलेंस क्रिएट करवाना है। इस वजह से उनको तमाम ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो भी नजर नहीं आ रही। यूनाइटेड नेशन की जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन ऑब्जर्वर की रिपोर्टें हैं वो भी दो दफा उनको नहीं नजर आ रही, फरामोश कर दिया। अभी देखने वाली बात यह है कि आपकी तकरीर तहरीर और जो आपकी जो ये इनसे बात नहीं बनेगी, अभी नारा तकबीर और आपको शमशीर उठानी पड़ेगी। और इसके लिए बकायदा यूएन आर्टिकल 4A आपको कहता है कि वो कौमें जो अपनी आजादी के लिए जो है वो हथियार उठाती हैं वो दहशत गर्द नहीं होती, बल्कि वो आपके लिए आजादी के मतवाले होते हैं। तो इस टाइम पे यूनाइटेड नेशन का कोई कानून वहां उसका इतलाक नहीं है। इसी की वजह से जब लद्दाख के अंदर कश्मीर में जब उन्होंने शुरू किया चाइनीज में, तो उन्होंने चाइनीज को कहा जब जंग बंद हो गई और डंडे मार मार के और फिस्ट फाइटिंग में हिंदू जो है वो 67 जब मुर्दार हुए, तो उन्होंने कहा कि जी अब अपनी वापस पोजीशन पे चले जाएं। तो उन्होंने कहा जी यूएन का रेजोल्यूशन खत्म हो गया, जो हम जहां खड़े हैं वही हमारी एक्चुअल कंट्रोल है और जिस जगह के ऊपर हम चाहेंगे वही हमारा कंट्रोल कहलाएगा। आज हमें जो है फैसला जो है ना वो ये नहीं कहा जाता, आपने जो एटॉमिक हमने पावर हासिल की है वो किसके लिए हासिल की है, क्या हमने ईरान के साथ जंग लड़नी है या अफगानिस्तान से लड़नी है। अफगानिस्तान में तो हमें फंसाया गया, हमारे मशरकी बॉर्डर को कमजोर करके मगरबी बॉर्डर के ऊपर तब्दील किया। परवेज मुशर्रफ ने तो ये जुल्म किया कि जब कारगिल हो गया तो कारगिल के बाद आपने लाइन ऑफ कंट्रोल डिटरमिन कर लिया और बजाय इसके कि आप 27 किलोमीटर अंदर चले गए थे और वो इलाका आपको लिबरेट करवा लेना चाहिए था, बाकायदा आजाद कश्मीर असेंबली से ये कह के कि हमने लिबरेट करा लिया, आप वापस आए, आपने बाड़ लगाने की इजाजत दे दी एंड हेयर यू गो, आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया। मेरे ख्याल में ये जो जुर्म था ये नाकाबिले तलाफी है, नाकाबिले माफी है। और इसकी जो 5 अगस्त 2019 को जिन किरदारों ने ये अमल किया और कश्मीर के जो बुनियादी मकसद था उसे रूह गर्दाने की, आज वो दुनिया में दलील और रुश्वा हो रहे हैं, ये एक हकीकत है। और ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसके अंदर मजीद आपको तकवीयत नजर आएगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि 5 अगस्त के बाद एक बात जरूर हुई कि भारत का जो मकरू चेहरा था, जो भेड़ की खाल में भेड़िया बैठा हुआ था, वो दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ। अभी जो नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे गया, वहां 70 से ज्यादा कांग्रेसमैन और सेनेटर वालों ने क्या कहा, उन्होंने ये बोला कि इससे पूछो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का, ये कश्मीर की आग अब पूरे भारत में फैलेगी और फैलना शुरू। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, देखेंगे अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त हो रहा है। ब्रिगेडियर एहसान शाह साहब, अब्दुल्ला गुल साहब, इश्ताक तरावी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जो अब्दुल्ला गुल साहब ने बात की कि इतने अराकी ने कांग्रेस ने पूछा कि मोदी से ह्यूमन राइट्स का सवाल पूछो, काश ये पाकिस्तान भी किसी फोरम पर कहता, पूरी कुव्वत के साथ कहता कि इस बदबख्त से हकूक इंसानी का सवाल पूछो। अगर आप ह्यूमन राइट्स का मुकदमा मोदी जैसे वाहयात ही मुनासिब लफ्ज़ है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वही कहना चाहिए, पता नहीं अखलाकियात तो ज़्यादा देती हैं या नहीं, कि ऐसे वाहयात रिजीम के खिलाफ भी अगर आप ह्यूमन राइट्स का मुकदमा नहीं खड़ा कर सकते मोदी जैसे रिजीम के खिलाफ, तो फिर आप किसके खिलाफ खड़ा करेंगे। ये तो आपकी नाहली है और आपकी इनकम्पिटेंसी है या आपकी मुजरमाना गफलत है, और तो इसका कोई नाम नहीं है। अल्लाह हाफिज़।